लखनऊ में राष्ट्रीय लोधी महासभा ने प्रथम युवक युवती परिचय सम्मेलन पारिवारिक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि लोधी समाज लगातार अपने समाज के प्रति आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं समाज को कभी भी किसी प्रकार की कोई जरूरत होगी तो वह हमारी सरकार से भी कभी भी कोई सहायता की मांग कर सकता है। इस कार्यक्रम में युवाओं ने अपना परिचय दिया। मंच पर लोधी समाज और लोधी महासभा के पदाधिकारियों ने भी पूरे देश में शिक्षा के जन जागृति अभियान पर विस्तृत चर्चा की। इसके साथ ही समाज के सर्वोत्तम विकास के लिए अपनी सहभागिता पर विचार किया। लखनऊ से आसिफ मिर्जा की रिपोर्ट। युवक युवती परिचय सम्मेलन था, मैं सम्मेलन की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। और लोधी समाज ने जिस ढंग से इकट्ठा होकर के इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, मैं बहुत बहुत भूल भूल प्रशंसा करता हूँ। समाज के सभी लोगों के व्यवहार मिल पाएगा और लोधी समाज ने उत्तर प्रदेश में देश में अपने मेहनत के बलबूते विशिष्ट पहचान बनाई है, अपने पसीने के बलबूते अपने परिवार को समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है। उनके परिचय का सम्मेलन, उनके साथ साथ हमारे समाज के जो उनके परिवार आते हैं उनका भी पारिवारिक मिलन समारोह है। और यह पूरा कार्यक्रम एक तरह से पूरे सामाजिक स्थान, शिक्षा, व्यवसाय, इसको लेके भी है, पर मेनली युवक युवतियों के परिचय सम्मेलन।